हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व्स कैन बी इंक्लूडेड इन। क्रैनियल एंड स्पाइनल नर्व किस में इंक्लूड किए गए हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और विसरल नर्वस सिस्टम। तो जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं ना, यहाँ पर नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया गया है किस में? आप नर्वस सिस्टम को पढ़ते हैं, डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, ये पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम कंप्राइज करता है ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो नर्व फाइबर होते हैं पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में, दो टाइप के मिलते हैं, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट नर्व फाइबर क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं इंपल्स को फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से, एफरेंट एंड इफरेंट। एफरेंट क्या कर रहे हैं? टिश्यू और ऑर्गन से, टिश्यू और ऑर्गन डायरेक्ट लिख देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जा रहे हैं इंफॉर्मेशन। और इफरेंट फाइबर क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू कंसर्न पेरिफेरल टिश्यू और ऑर्गन। तो ये सीएनएस से कहाँ लेकर जा रहे हैं इंपल्स को? टिश्यू और ऑर्गन के पास, ठीक है। अब जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, इसको डिवाइड किया जाता है, दो डिविजन्स हैं इसके, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में भी आप दो डिविजन देखते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपथेटिक, ओके। तो यहां पर देखिए अब क्या हो जाता है, जो नर्व्स हैं क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व्स, वो किस में इंक्लूड किया गया उनको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं, ऑटोनॉमिक में नहीं, विसरल में नहीं। सी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज करेक्ट हियर। ऑटोनॉमिक, यहाँ विसरल नर्वस सिस्टम में आप क्या देखते हैं, जो विसरल नर्वस सिस्टम होता है ना, ये पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही, और कंप्राइज करता है द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया, प्लेक्सिसेस, जिसके द्वारा ये क्या करता है, जिसके द्वारा इंपल्सेस ट्रेवल करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से विसरा तक और विसरा से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर अभी करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन सी। इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 231 पर दी है। थैंक यू।